तो दोस्तों आज हम आए हैं सेक्टर 57 गुरुग्राम में। लोकेशन A1 है और प्रॉपर्टी भी बजटेड है अकॉर्डिंग टू गुड़गांव की जो रेट है उसके हिसाब से। और आपको अभिषेक अभी दिखाएंगे। तो मेन रोड पे हम खड़े हैं, मेन रोड है यहाँ पे पास में, बिल्कुल मेन रोड पे प्रॉपर्टी है। लोकेशन बहुत ही बढ़िया है इस प्लॉट की। एलिवेशन आपको हम दिखा ही चुके हैं, चलते हैं अंदर और फ्लोर दिखाते हैं आपको। बढ़िया फ्लोर हमारा। गेट आप देखो तीन है, एक ये गेट हो गया। स्टिल पार्किंग, प्रॉपर स्पेस, बिल्कुल पूरा फुल ऑन स्पेस है। नीचे जो हैं आपके सर्वेंट क्वार्टर्स बने हुए हैं, बढ़िया स्पेशियस। और इधर हम आ गए हमारे लिफ्ट लॉबी में, श्नाइडर की जो है वो लिफ्ट लगी हुई है। चलते हैं ऊपर हमारे फ्लोर की तरफ। तो आ गए हमारे फ्लोर की तरफ। दरवाजे का साइज आप देखो, बढ़िया लंबा और चौड़ा दरवाज़ा है, बिल्कुल रिष्ट पुष्ट। और एंटर कर गए हैं हमारे हॉल की तरफ। डाइनिंग एरिया कम आप इसको कह सकते हो, लिविंग एरिया। साइज़ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिसेंट। लेआउट हम आपके साथ शेयर कर देंगे, तो एग्जैक्ट साइज़ आपको वहाँ से पता लग जाएगी। एंटर कर रहे हैं हम इधर से, और ये जो है हमारा किचन है जस्ट पास में। तो जो बढ़िया तरीके से बनाने का तरीका है वो आप देख सकते हो। किचन क्लोज भी है और वेंटिलेशन भी प्रॉपर है। उस तरफ चलेंगे तो दिखाएंगे, अभिषेक अंदर आएंगे तो आपको दिखाएंगे इस तरफ कैसे एक बढ़िया सा एरिया हमने डिसेंटली छोड़ा हुआ है। आप अंदर आएँ अभिषेक और इस तरफ का एरिया दिखाएं। इसको आप अपना पेंट्री एरिया बना सकते हो, छोटा मोटा जिसे कहते हैं, और अपना फ्रिज भी वहाँ लगा सकते हो या फिर, और ये आपका छोटा सा मिनी बार इसको बना सकते हो। कुछ आप अपनी खाने पीने की चीज़ें यहाँ रख सकते हो। और ये आपकी प्रॉपर जो है वो रैक्स है, और यहाँ आप अपना रख सकते हैं दोस्तों। माइक्रोवेव चिमनी लगी हुई है नीचे, आप देख सकते हो, बिल्कुल बढ़िया डिज़ाइंस है। आपको मैं दिखा देता हूँ, स्पेस की कोई कमी ही नहीं है। ये देखो दोस्तों, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया, अच्छी तरीके की क्वालिटी का पता करना है अगर आपको इसकी, तो आप तरीका ये है। आप देखो मैंने छोड़ा है, और ये बार बार जो हम अगर देसी भाषा में बोले तो इसमें आवाज़ नहीं आएगी, जो है वो ख़राब नहीं होगी। तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बिल्कुल से बढ़ जाती है। ये देखो आप, ठीक है, ऊपर स्पेस अच्छा दिया हुआ है। और ये आपकी स्वान नेक जो है बिल्कुल बढ़िया जो है फ्लेक्सिबल, आपकी डबल सिंक। और यहाँ जो है आप अपना फ्रिज का एरिया बना सकते हो, स्पेस है बढ़िया। या आप यहाँ थोड़ा सा हमने दिया हुआ है, आप यहाँ पे अपना RO वगैरह भी लगा सकते हो दोस्तों। और इधर से हम आ जाते हैं बैक साइड की बैल्कनी में। तो बैक साइड की बैल्कनी में आपको दिखा देता हूँ, देखो आप, बढ़िया स्पेस रहेगा हमेशा यहाँ पे। बैक साइड की बैल्कनी है, ठीक है, अच्छा एरिया है ये। एंटीस की टाइल्स हैं, इधर भी वेट एरिया बन जाएगा आपका। ये देखो टैप हमने दी हुई है, ठीक है, एसी की प्रोविजनिंग है यहाँ पे। तो आपको लेके चलते हैं, इधर से ले चलता हूँ मैं। तो इधर से भी अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा ये हमारे हॉल कम डाइनिंग एरिया की एंट्रेंस है। आपको वापस लेके चलते हैं किचन की तरफ से, तो एक व्यू अच्छा बनेगा। यहाँ की भी जो टाइल्स हैं वो थोड़ी एंटीस्किड है, अलग कलर कॉम्बिनेशन है। यूजुअली ऐसे ब्लैक रखते हैं मार्बल, लेकिन यहाँ हमने डिसेंट मार्बल जो है वो रखा हुआ है। ऊपर आपको अगर अभिषेक दिखाएंगे तो फॉल सीलिंग बहुत अच्छी और डिसेंट। ये हॉल का एरिया है, और एक ये बेडरूम पास में है जो बाहर की तरफ से भी इसका स्पेस है। ये देखो आप, बढ़िया डिसेंट डिज़ाइन है। कम से कम 13x10 का ये बेडरूम है दोस्तों, ठीक है। 6x6 का बेड होता है यूजुअली, तो यहाँ तक आपका बेड रहेगा, और बाकी तीनों चारों तरफ स्पेस बहुत ही अच्छा स्पेस बच जाता है। और ये आप अपने वार्डरोब की देखो, आप साइज़ देखो, और बहुत ही बढ़िया हमने जो है वो यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे कलर बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। ये देखो आप, अटैच इसके साथ जो है वो वॉशरूम है। ये देखो आप यहाँ पे, ये जो है, और ये कॉमन भी हो जाता है क्योंकि हॉल की तरफ से आता है, तो वो भी एरिया है यहाँ आपका। आ जाओ अभिषेक, आपको अंदर दिखाएंगे। तो क्यूबिकल बिल्कुल अलग बना हुआ है, ठीक है। तो ये है, एक बार पॉज कर। तो ये दोस्तों पाउडर रूम जो है वो, ये पाउडर रूम तो मैं इसको नहीं कहूँगा क्योंकि ये वॉशरूम
जो है वो इस वाले बेडरूम से भी अटैच है, लेकिन बहुत ही डिसेंट और लंबा डिज़ाइन, बहुत अच्छा डिज़ाइन इसका, बहुत अच्छा जगह है इसकी। और यहाँ आप देखो ये दूसरा बेडरूम हमारा आ गया, इसकी भी डिज़ाइनिंग जो है वो हमने अच्छी की हुई है। आप इसकी देखो साइज़ बहुत बढ़िया है, और जो आपका वार्डरोब एरिया और अटैच वॉशरूम बिल्कुल अलग, इसको ड्रेसिंग एरिया हम बोलते हैं, ड्रेसिंग एरिया वार्डरोब एरिया अलग है। यहाँ के आप देखो वार्डरोब बिल्कुल अलग है, ठीक है। और ये आपका हो गया वॉशरूम, इसमें वॉल टू वॉल टाइल मैं स्पेसिफिकली दिखाना चाहूँगा, ब्लैक कलर का बहुत बढ़िया जो है वो वॉल टू वॉल टाइल्स है। यहाँ देखो यहाँ भी डाइवेटर लगा हुआ है टेबल टॉप, और ये आपकी वॉल हैंगिंग, और ये आपका एरिया बिल्कुल अलग। क्यूबिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बनाना चाहो तो एक पार्टीशन दे सकते हो, और इधर से जो है आपके वेंटिलेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये पीछे का बेडरूम हो गया, डिज़ाइनिंग जो है, आर्किटेक्चर जो है वो अच्छे से यूज़ किया हुआ है। ऊपर आप देखो तो ये जो डिज़ाइन हैं ऊपर के, ये थोड़े डिसेंट बढ़िया ही रहते हैं, नॉर्मल अच्छे लगते हुए। यहाँ भी एक रूम इधर भी है दोस्तों, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 BHK ये फ्लैट है, ठीक है। तो ये आपको एक रूम हो गया, इसका साइज़ भी अच्छा है, ठीक है। ये आप देखो, ये आपका वार्डरोब हो गया, ये भी 13x10 का साइज़ है, अच्छा साइज़ है। और ये आपका अटैच वॉशरूम, वॉशरूम्स का साइज़ जो इस फ्लोर में है वो बहुत अच्छा है। अंदर आएंगे अभिषेक तो आप देख पाओगे, पूरा काउंटर बना हुआ है, छोटा काउंटर नहीं है, प्रॉपर बड़ा काउंटर बना हुआ है। नीचे आप देखो तो प्रॉपर स्पेस आप है, वॉल हैंगिंग तो जैसे है ही। और इधर आपका क्यूबिकल हो गया, वॉल टू वॉल टाइल्स है हर जगह अलग इटालियन, और नीचे तो एंटीस्किड है, डाइवर्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दरवाज़ों की साइज़ बहुत ही बढ़िया और अच्छी। इसकी जो बैल्कनी है दोस्तों वो अलग है, सेपरेट बैल्कनी इस रूम के साथ हमने आपको दी हुई है, थोड़ी छोटी है लेकिन रूम के हिसाब से अच्छी है, सेपरेशन हो गया तो अच्छी है। और ये जो है आपके PVC डोर्स अच्छा लुक देते हैं फ्लोर्स को, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों एक रूम और है, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, मैंने 3 BHK बताया, 4 BHK है ये फ्लोर हमारा। तो एक रूम ये है, ये थोड़ा छोटा है, स्टडी रूम कह सकते हो आप इसको। देखो यूजुअली एक छोटी सी मिस्टेक तो नहीं कहूँगा, अपना अपना डिज़ाइन है, स्टडी रूम लोग रखते हैं बीच में, लेकिन ये प्रॉपर स्टडी रूम है, प्रॉपर सनलाइट रहेगी, बाहर की तरफ हमने दिया हुआ है, इसके साथ कोई बैल्कनी नहीं है, लेकिन यहाँ प्रॉपर लाइटिंग रहेगी। 8x10 का इसका 8x8 का साइज़ है, ठीक है। एक्चुअल जो लेआउट्स है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही दूंगा। और ये जो बैल्कनी है, ये बैल्कनी हमने दी हुई है डाइनिंग एरिया के साथ ये मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये बैल्कनी है, बढ़िया बैल्कनी, ठीक है। और यहाँ मैंने अपना बचना एसिनो वाला लुक दे दिया, ये आप देखो टैप लगी हुई है। तो यहाँ आप देखो, अगर यहाँ खड़े हो जाओ तो बिल्कुल शांति भी है और आपका मन भी लगा रहेगा, बढ़िया चलती हुई रोड है यहाँ पे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये फ्लोर, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा ही लगा होगा, इतनी मेहनत से बनते हैं फ्लोर, अच्छा डिज़ाइन है इसका। और आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जिनको ज़रूरत हो आपके नोन में, आप उनको फॉरवर्ड करें वीडियो, किसी को अगर ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर हमें कॉल करेंगे, आप हमें कॉल करो साइट विज़िट अगर आपको करनी है तो, और हम आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी देंगे। आपको फ्लोर लेना है उस टाइम पे कोई कंसल्टेंसी आपको चाहिए, चाहे वो आप पीछे प्रॉपर्टी बेच के आ रहे हो, उससे रिलेटेड टैक्सेशन मैटर्स हो, सेक्शन 54 से रिलेटेड रिबेट्स की बात हो, कैपिटल गेन से रिलेटेड बातें हो दोस्तों, आपकी ITR फाइलिंग से रिलेटेड बात हो, आप कितना पैसा एक नंबर में देंगे, कितना दो नंबर में, रजिस्ट्री रिलेटेड डाउट्स हो, होम लोन रिलेटेड बातें हो, ये सारी बातें आपको। इसके अलावा हम आपको अगर वास्तु कंसल्टेंसी चाहिए, अगर कुछ आपको यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह कुछ कराने हैं उससे रिलेटेड, मूवर्स एंड पैकर्स, सारी अलाइड सर्विसेज जो भी आपको चाहिए, अगर आप अपनी कुंडली भी दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि घर लेने की खूब कोशिश कर रहे हैं और मिल नहीं पा रहा, क्या करें, कुछ पर्टिकुलर बात बन नहीं पा रही, तो हम उससे रिलेटेड भी कंसल्टेंसी आपको दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।